双亚洲原子展的设备来展示。ये तो बाहरी के लिए हम ना 12 ग्राम चाहिए थी सॉइल और इसमें 24 ml जो है डिस्टिल वाटर पड़ता है। छह सैंपल है तो छह दस की हमने बिक कर ले लिए ताकि इसमें आसानी रहे। ये सैंपल में कोडिंग हुई है 417, ठीक है। ये सैंपल नंबर एक, इसकी डिटेल जो है साथ में हमने रखी होती है एक उस पे रजिस्टर पे या उस पे रखेंगे डायरी पे। और ये जो डिटेल है लैपटॉप में सेव होते रहेगी, मशीन खुद करती है इसको सेव। हमने एक बार कोड डालना 417 का पूरा जितना भी होगा लास्ट तक वो सब मशीन रिकॉर्ड करते रहती है। जब बाद में इसकी प्रिंट आउट करना हो तो प्रिंट के लिए सीधी कमांड दी और लैपटॉप में पूरा डाटा आ जाएगा, उसके बाद इसका प्रिंट लेके रिपोर्ट तैयार हो जाती है। इससे टाइम लगता है ना, हमने इसमें थोड़ा सा एडिशन कुछ किया हुआ है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी अगर रिपोर्ट बढ़ाने में लगता है तो आप इसलिए यूज करेंगे छह का सैंपल एक बार निकलेगा ना, पूरे दिन का काम है। अगर छह सैंपल एक बार ये तो आपको आइडिया हो गया, एक 12 ग्राम के लिए चम्मच लगने जो आप 5 चम्मच उसमें नीचे ऊपर कर सकते हैं, 4 चम्मच लगने थोड़ा बहुत तो हो गया नहीं, अब तो हो जाता है ना, तो इतने स्मूथ लगने ही ज्यादा दिक्कत आती है जब पॉइंट में चलता है ना, पॉइंट में जो कारण निकालना पड़ता ना उसमें लगता है ज्यादा टाइम, बाकी ये तो नॉर्मल है भाई निकालना 12 ग्राम तो ज्यादा दिक्कत नहीं, ज्यादा दिक्कत आती है उसमें बहुत कम क्वांटिटी होती है ना। रंग से ना लाइट सॉइल है हल्की ज्यादा, जिसमें ज्यादा ये जो आपने चिकनी मिट्टी है हाँ हैवी होती है, कुछ ब्लैक सॉइल्स भी हैवी होती है, काली मिट्टी होती है वो भी थोड़ी सी हैवी होती है। लगा ना लोगों को देखने, लोग सैंपल लाते हैं मिट्टी के अंदर ही अपना ये भी पर्चियां भी इसी में डाल देंगे, उसके बाद फिर भीग भूख के यहाँ पहुंचेगी क्योंकि मॉइस्चर बहुत होता है सॉइल में, इसलिए हमने फिर यहीं से पैकेट बढ़ाने शुरू किए। ये है तो उसके हैं डॉक्टर लाल बैद के सैंपल, जब आना है तो सैंपल इसमें भी आ सकते हैं। सिर्फ एक काम रह गया मार्किंग करना, लगभग मार्किंग जरूरी है कितने तक जाना है इतना, हाँ जो था नहीं ना पर इसके फर्स्ट ग्राइंड अब इसको ग्राइंड करूंगा इतने दिन लगभग इतना 9-10 इंच आएगा, ये इतना डुबो देना है इसके बाद जाएगा ये बड़ा आराम से इस तरह से, नहीं जाएगा तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। इसमें आयरन नहीं आएगा क्या फर्क पड़ रहा जो चीज़ है आयरन से, आयरन तो सेव ऐसे भी
कंज्यूम कर रहा है ना वो तो हमारे को दे रहा है, अगर उसको आयरन इसमें पड़ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर आयरन इतना नहीं पड़ता, दिक्कत नहीं। मतलब पुराने कॉन्सेप्ट है आयरन आ जाएगा, कैसे आएगा आयरन इससे, मान के चलो है कौन मन सी के भी, जब आपने उसमें या तो गिल्ली मिट्टी हो बिल्कुल तब तो हो सकता है थोड़ा सा डिजोल्व हो जाए, पर अगर सूखी मिट्टी तो कैसे डिजोल्व करेंगे इसमें आयरन नहीं होगा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से तो ठीक है। जो अगर होता है वो आयरन आयरन के होते हैं वो भी आयरन होता है आयरन कितना आएगा आपका पॉइंट में बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका, वैसे भी आयरन में हमारे पॉइंट में आएगा, पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, 0.0 व्हाइट रंग की वो स्टिक्स ही पड़ती है वो लाग रहा है अभी बारी बारी से कुछ नहीं है तो लो फॉर एग्जांपल क्या क्या हाँ ये है एग्जैक्ट बड़ा मजा आता है इसमें इस वाले में तो सबसे मजा ऊपर है स्पेशल बस एक तो सिंपल वाटर से ले सकते हैं सीधा पानी ना, तो 12 ग्राम मिट्टी लेके उसमें डबल करना है पानी 24 एम एल पानी, तो उसके बाद सीधा ये डिजिटल मीटर वो हो गया, और तीसरे की बात में Six point one.